नमस्कार, इस वक्त हम बिरौल में हैं और बिरौल में मत्स्यजीवी का चुनाव होना है। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 22 तारीख को उनका नामांकन का प्रक्रिया होगा और हमारे भी जो उम्मीदवार साहब हैं वो मौजूद है और हम कुछ जानेंगे कि कल उम्मीदवारी कल जो नामांकन कराने के उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ त्रिवेणी मुखिया जी, ग्राम सोनबेहट जी, बिरौल से मत्स्यजीवी मंत्री पद से नामांकन कराएंगे। अच्छा, कल नामांकन रैली है आपकी आएगी, कल क्या कुछ तैयारी है नामांकन के लिए और आपने जितने भी मछुआरे हैं जो आपके समाज के लोग आते हैं, जो सैनी समाज के लोग हैं, उनको निमंत्रण दिए कैसे उनको जी, उनसे आग्रह है हमारे तरफ से कि कल आके हमारे नॉमिनेशन में आके स्वागत है सभी को आमंत्रित। आपके आपके जो नामांकन है उसमें पहुंचकर आपको नामांकन रैली को सफल बनाए जी। अच्छा, कितने बजे नामांकन कराएंगे आप? 10:30 बजे स्टार्ट। अच्छा, उसके लिए कैंप लगाए कहीं पर व्यवस्था किए? मेरा प्रखंड से पश्चिम आपका टेंट लगा हुआ है। देखिए, बिरौल प्रखंड जहां मुख्यालय है महज वहां से 50 मीटर दूरी पर अकबरपुर बैंक के रास्ते में आप देखेंगे एक बड़ा सा कैंप लगा होगा, शिविर लगा होगा। वो शिविर किसी और का नहीं, त्रिवेणी जी का होगा, इनका शिविर होगा। अब जितने भी मतदाता हैं वो सभी से इन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग समय पर पहुँचें और इनके जो नामांकन रैली होगा उसमें शामिल होकर सीधे नामांकन कक्ष तक जहाँ पहुँचेंगे उनके बाद फिर वहाँ पर बैठकर जो बातचीत होगी। अच्छा, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? सर, खाना की व्यवस्था किए हुए हैं, जो वैष्णव आएंगे उनके लिए अलग है, जो साकट आएंगे। अच्छा, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों अलग 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 व्यवस्था है। अच्छा, कल कितने बजे पहुंच जाएंगे? कल 10:30 बजे यहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे के बाद नामांकन जी जी। चलिए, कल 10 बजे तक नामांकन रैली होगी। अच्छा, बताइए, त्रिवेणी जी के नामांकन रैली कल है, कल इसमें जो है जी त्रिवेणी जो है मंत्री पद से खड़े हैं जी, और मैं महेश सहनी और मेरा बैरमपुर हुआ जी, और मत्स्यजीवी सहयोग समिति के इलेक्शन है, उसमें मेरा पत्नी आपकी पत्नी जी अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, तो आपके पत्नी का भी कल नामांकन होगा जी, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे एक बात कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में बहुत धांधली चल रहा है, दूसरा जाति की जलकर दे देता है, मल्लाह को जलकर नहीं दे रहा है। हमको हम लोग लड़ाए हैं कि हम इस बिचौलिया से इस जलकर को छोड़ाएंगे और मल्लाह के हक में लाएंगे, मल्लाह में वितरण करेंगे। यानी अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ेंगे जी जी जी, और जीतने के बाद आप अपने समाज के लिए काम करेंगे, पूरी निष्ठा के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे, और जब तक जिंदा है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। चलिए, ऐसे उम्मीदवार बहुत कम आपको मिलेंगे जो ये कसम खा ले कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक काम करते रहेंगे, और होना भी यही चाहिए क्योंकि जो उम्मीदवार मेरे सामने है खड़े हैं इधर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रह्मदेव मुखिया जी, हम गोरा बोराम प्रखंड का रहने वाला है, त्रिवेणी मुखिया मंत्री के पद पर है, उसको हम समर्थन। अच्छा, त्रिवेणी जी का चर्चा क्षेत्र में क्यों हो रहा है, क्या कारण है? क्या कारण? अच्छा आदमी है जी जी, इसीलिए इनको चर्चा हो रहा है। तो बिरौल छोड़कर गोरा बोराम में भी चर्चा है? जी जी, इनको चर्चा हो रहा है। हाँ जी, हम व्यापी पार्टी का अध्यक्ष हूँ गोरा बोराम का। अच्छा अच्छा जी, तो अपने समाज के लिए जी उनको साथ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए और लोग आगे हैं उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, जी 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 जी, बताइए। अध्यक्ष में महेश जी का हम समर्थन देते हैं, अध्यक्ष में महेश जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? शोभा मुखिया। अच्छा, क्या कहेंगे जो मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, कल नामांकन है उनका? साथ है, हम भी मंत्री पद के लिए लड़ते थे लेकिन अभी त्रिवेणी जी को सपोर्ट रहा है, सपोर्ट। अच्छा, आप लड़ते थे लेकिन इस बार आप इनको समर्थन कर रहे हैं? अभी भी नॉमिनेशन फाइल। अच्छा, कल नामांकन है? हाँ हाँ, दोनों आदमी को, हम महेश जी और त्रिवेणी जी को सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मछुआरा समाज के लिए? मछुआरा समाज के लिए यही कहना है, हाँ, हक के लिए सभी को मान सम्मान बराबर चाहिए, यानी एकजुट होने की जरूरत है। एकदम एकजुट। सही उम्मीदवार चुने, गलत उम्मीदवार ना चुने, ऐसा न हो कि आपका गलत उम्मीदवारी के कारण, गलत मतदान के कारण आपका उम्मीदवार गलत निकले और फिर 5 साल आपको भूल जाए, ऐसा नहीं है। जितने दिन आप पद पर रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जनता का आशीर्वाद से हम लोग सही से चलाएंगे, पूरी निष्ठा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर इनसे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए।